Kirigan. Good afternoon everyone, thank you for joining. Am I audible? So today we are going to do some very interesting chocolate chip cookies, which is easy to make and it's sure to be powered by Amul. I am Shalini Kapoor and I'm joining you guys from Gurgaon. My brand name is Bhakti Muslani. You can follow me on my Instagram page by the name of S1973 to find more interesting stories and recipes. And I'm also there on Facebook by the name of Bhakti Muslani. My page name is Bhakti Muslani. Am I audible to you guys? Alright, I think it will work now. So do let me know if I'm audible. If there is any issues with the communication, just message us and we'll try to solve it out. Am I audible, guys? Can we start? Rishika, do let me know when we can start. So we are doing very simple homemade choco chip cookies. As we all know, chocolate is one of the favorite, sweet dessert. So you will never go wrong with chocolates anyway. So we will start from the very basic mixing of butter, which I'm going to take 60 grams of butter. So, and 110 grams of sugar. So it's a powder sugar. मैंने इसको grind कर लिया है, powder sugar कर लिया है. This is 110 grams of sugar, and we'll be using 60 grams of Amul butter. Some people are requesting to please talk in Hindi. Oh sure, definitely. मैं कोशिश करूंगी मैं जितना हिंदी में कम्युनिकेशन कर सकूं. हमने लिया है 60 ग्राम बटर और 110 ग्राम चीनी जो कि पीसी हुई है. उसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था. तो ये आप देख सकते हो पाउडर शुगर है, चीनी पिसा हुआ एंड I'll be taking 110 grams of butter, Amul butter. That. Perfect. So, Amul butter plus powder sugar. Butter को डालने से पहले हम इसे थोड़ा सा chop कर लेंगे. नॉर्मली मैं सॉफ्टन बटर यूज़ करती हूँ जो कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में बाहर रखा होता है सारे दिन. बट क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है और अगर आप मक्खन बाहर रखते हो तो उसमें से ऑयल निकल आता है. सो मैंने इसको थोड़ी देर पहले फ्रिज में रखा था, अभी अच्छा सॉफ्टन हो गया है.
ज़्यादा मुलायम भी नहीं है और मेल्ट भी नहीं हो रहा। इसको मैं हल्का सा काट लूँगी, छोटे टुकड़े करके इसके इसको मैं शुगर के संग मिक्स करूँगी। हमने लिया है 110 ग्राम पिसा हुआ शुगर चीनी और 60 ग्राम अमूल बटर जो कि सॉल्टेड है। अमूल के अनसॉल्टेड बटर्स भी आते हैं मार्केट में, बट क्योंकि कुकीज़ में थोड़ा सा मैं सॉल्ट पसंद करती हूँ इसलिए मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है यहाँ पर। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेजरमेंट को चीनी और मक्खन को मैं हाथ से ही मिलाऊंगी। तो एक बेसिक मिक्सिंग का मेथड है जो मैं यूज़ करती हूँ, विच इज़ आई यूज़ माई पाम टू मिक्स। रीना इज आस्किंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कास्टर शुगर, आइसिंग शुगर एंड पाउडर शुगर। सी दिस इज पाउडर शुगर जो आपकी नेचुरल शुगर होता है जो आप घर में बाय करते हो, इसलिए शुगर होता है उसको आप पीस के पाउडर शुगर में चेंज कर देते हो। आइसिंग शुगर बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है क्योंकि वो पाइपिंग के लिए यूज़ की जाती है, तो वो पाइपिंग के हिसाब से उसको बहुत बारीक पाउडर बनाया जाता है, बहुत फाइन क्वालिटी का, जो कि आप क्रीम के संग मिक्स करके उसको आइसिंग के लिए यूज़ करते हो। कास्टर शुगर अगेन इट्स नॉट अ पाउडर फॉर्म बट या इट्स वेरी बारीक, इट्स अ स्मॉल क्रिस्टल्स यू कैन से, सो दैट इज़ द डिफरेंस। शुगर शुगर ही होती है एंड दिस इज़ द डिफरेंस, वो फाइन क्वालिटी की होती है, एक पाउडर होती है और ये हम पाउडर घर में करते हैं। रूपाली इज आस्किंग मैम रूम टेम्परेचर पर लेना है बटर। यस रूपाली, क्योंकि थोड़ा सा वेदर अपना अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर में रख दिया था सेट होने के लिए, बट नाउ यू कैन सी बटर एकदम नाइस टेक्सचर में आ गया है। क्योंकि अगर मैं रूम टेम्परेचर बटर लेती हूँ तो गर्मी की वजह से मक्खन के अंदर से तेल अलग हो जाता है। कई बार आप देखते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपके बटर के जो डिश में बर्तन के अंदर बहुत सारा ऑयल जो है बटर से अलग हो जाता है, उसकी वजह से कुकीज़ का टेक्सचर थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको सेट कर लिया था फ्रिज में रख के, मगर हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि जब आप कुकीज़ या कुछ बना रहे हैं तो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स एक सेम टेम्परेचर में होंगे तो कुकीज़ का टेक्सचर अच्छा निकल जाएगा। सो मैं पाम यूज़ करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। एक कहावत है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट यू बेटर मेक द मेस। तो मेस हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी मेसी होने से आप अच्छी चीज़ें भी करते हो। इसको हमें थोड़ा सा फ्लफी रख करना है। जैसे हमने स्टार्ट किया था तो आपने देखा होगा जो इस मिक्सचर का कलर था वो काफ़ी येलो था, पीलेपन पे था, बट अब जैसे जैसे इसमें एक टेक्सचर आता जा रहा है, थोड़ा सा ये फ्लफी होता जा रहा है, आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा वाइटिश हो गया है, विच इज़ लाइक थोड़ा सा हल्का लेमनिश होता है उस तरह का। Someone is asking, can we mix with spatula instead of hand? You can mix with spatula, you can mix with any grinder, mixers, but this is the best way because this way I can feel the texture. मुझे पता चलता है कि मेरा जो बटर है वो रेडी हो गया कि नहीं, एंड स्पेशला से मैं स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाती, मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, इस तरह से मैं एक ही मूवमेंट से एक ही प्रेशर के साथ में इसको मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें एक एग का योक। Can I ask for a help, please? Can you please take out the egg yolk? You can ask for little help around you. So, this is the way you can actually, you know, combine your kids
and other family members to be a part of your job. Thank you. So मैंने एक येलो इसमें डाल दिया, इसको मैंने हल्का सा मिक्स करना है. Deepa is asking eggless substitute. So if you don't want to add egg, you can take curd. You can add curd into it if you don't want to use egg or milk. Egg के बजाय milk या curd में से आप कोई भी substitute use कर सकते हो, but I prefer if you can use curd. That is a better option. Shilpi is asking, can we have measurements by cup? Sorry? Cup measurements. Shilpi, you can DM me on my page. I can share the cup measurements with you. So, ये हमारा mixture ready हो गया है. So, मैं एक बार फिर से repeat कर देती हूँ. इसमें हमने क्या क्या add किया है. हमने powder sugar लिया, वो sugar जो हमारे पास already घर पे होता है, हमने उसको grind कर लिया, powder कर लिया. तो हमने 60 ग्राम्स बटर लिया, अमूल बटर जो कि सॉल्टेड है, एंड हमने उसे रूम टेम्परेचर में हल्का क्यूब्स करके मिक्सिंग किया. सेकेंड हमने लिया 110 ग्राम्स शुगर. सो ये दोनों चीज़ों को हमने मिक्स किया. जब अच्छी तरह से फ्रॉक कर गया, थोड़ा सा इसका टेक्सचर क्रीमी हो गया, तब हमने इसमें एक एग येलो मिलाया. ध्यान रखिएगा, नो एग वाइट्स, ओनली एग येलो. एंड इफ यू डोंट वांट टू यूज़ एग येलो, डू यूज़ मिल्क. Or curd. Someone is asking if we use milk or curd, how much should we use? Just a spoon. You can take this spoon. Just one spoon of it. Jitna ki yolk hota hai, utna. Usi ke barabar we have to use. So now what I'll do, I'll just mix my dry ingredients. I'll keep this aside. And I'll use my dry ingredients. Shabani is saying, please we take hygiene measures, use a spatula. Shabani, definitely you can use a spatula, but as I told you, I can feel this texture of my batter. So, I prefer mixing it with my hand rather than with a spatula. But yes, if you want, you can do that. So, now we are taking flour, which is 95 grams. Just a little garbage, but yes. And if you want, you can add some chopped dry fruit to your cookies. So I'll be using some walnut and almonds. इनको मैंने हल्का सा chop किया. Some people are asking, please share your Instagram or Facebook handle. My Facebook handle is by the name of Pagli Miss Rani. It's my Facebook page name. And Instagram handle is skapoor1973. You can find me there. You can DM me over there if you want more information about any other kind of cookies. There are a couple of recipes which we have shared on Instagram as well. You can follow me there. All right. So, substitution. In spite of egg, you can have curd or milk. And this is flour, which I'm taking 95 grams. flour ले लिया. And अब इसमें मैं अपने dry fruits add कर रही हूँ. So मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, प्लस इसमें मैं थोड़ी सी जस्ट अ स्पून फुल ऑफ चोको चिप्स. पीपल आर आस्किंग हाउ मच फ्लावर ड्राई फ्रूट एंड आर यू यूजिंग रोस्टेड नट्स. नो, सो द नट्स आर नॉट रोस्टेड बिकॉज हम कुकीज़ में मिक्स करेंगे, जो हम कुकीज बेक करेंगे तो नट्स ऑटोमेटिकली रोस्ट हो जाएंगे. एंड मैंने 95 ग्राम्स फ्लावर लिया है, एंड उसके साथ में मैंने दो बड़े चम्मच, यू कैन से टू बिग स्पून ऑफ ड्राई फ्रूट.
इट्स अप टू यू. अगर आपने ज़्यादा ड्राई फ्रूट वाला कुकी बनाना है, यू कैन डू दैट. आप इसको रेफर कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा जैसा भी आप चाहो उसी हिसाब से आप इसको मिक्स कर सकते हो. सो एंड हाँ, आपको ये ड्राई इन्ग्रीडियंट सारे एक संग ही कुकीज़ के लिए मिक्स करने हैं मैदे के साथ. आप जो भी हेल्थ कॉन्शियस है, जो भी मैदा नहीं खाना चाहते, कुकीज़ में मैदा नहीं डालना चाहते, आप आटे का कुकी भी बना सकते हो. सो यू कैन रिप्लेस आटा विद कुकी, सॉरी आटा विद मैदा. सो देन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस अमूल चॉकलेट विच इज़ डार्क एंड वी आर गोइंग टू मेक गनाश आउट ऑफ इट. सो आई हैव डन दिस मिक्सिंग एंड अब मैं सो करेंटली आई एम यूजिंग मैदा, बट आप भी फ्लावर भी यूज कर सकते हो. इसमें मैंने अपना सो कीपिंग इन माइंड मैं अभी इसमें स्पैचुला से इसको सिर्फ फोल्ड कर रही हूँ. इसे हमें आटे की तरह गूंदना नहीं है. ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं हो, एकदम हल्के हाथ से इसको बस फोल्ड करना है. बेकिंग पाउडर somebody is asking. Yes, you can add baking powder also. I'm not using it right now. Just a small teaspoon of baking powder you can add if you want your cookies to, you know, raise. So, some people are asking for a quick recap if it's possible, chef, please. Definitely, just let me just bind this thing and I'll give you a recap while we are just, while we just make this ganache for the cookies. So, this is almost ready. इसको मुझे थोड़ा सा rest देना है refrigerator में. उसके बाद हम इसको कुकीज़ के शेप में बनाकर बेक करेंगे. सो ये हमारा बटर तैयार हो गया है. एंड अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं फ्रिज में रखूंगी ताकि थोड़ा सा फर्म हो जाए और मैं इसका शेप बना के इसे हम बेक कर सकें. Somebody is asking, why didn't you use baking powder or soda? So I don't want them to raise or you know, baking soda and powder use करने से थोड़ा सा वो उठ जाती हैं, फैल जाती हैं. So currently I don't want my cookies to raise or spread. So that's why मैंने अभी नहीं यूज़ करा है, बट डेफिनेटली अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो. एंड प्लस ये मैंने बच्चों के लिए बनाया है तो आई एम नॉट यूजिंग राइट नाउ, बट येस डेफिनेटली अगर आप चाहो तो उसमें आप बेकिंग पाउडर ज़रूर यूज़ कर सकते हो. Somebody is asking, कोको पाउडर डाल सकते हो? यू कैन ऐड कोको पाउडर इफ यू वॉन्ट योर कुकी टू बी लिटल डार्कर. यू कैन ऐड कोको पाउडर एंड यू कैन ओमेट अ लिटल बिट ऑफ फ्लावर. सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने 2 चम्मच कोको पाउडर डाला है तो आप 2 चम्मच फ्लावर को ओमेट कर दीजिए. There is another question. Can we use a whisk for mixing? Yes, definitely. So I'll be quick back in a second. Asking what is the difference between baking powder and baking soda. All right. So baking powder and baking soda एक कुकी को raise करने में help करता है और एक कुकी को फैलने में help करता है. So यहाँ पर मैं एक ganache ready कर रही हूँ. Ganache mostly मैं cookies के साथ में combination के लिए, you know, some of the time I really want माई कुकी टू बी लिटिल ग्लूई या फिर कुकी के ऊपर आप गनाश पोर करके इट लुक्स वेरी नाइस एंड यू सर्व देम. कुड यू प्लीज रिपीट द रेसिपी? श्योर. सो दिस इज अमूल क्रीम. आई एम टेकिंग 1 पार्ट ऑफ अमूल क्रीम.
And here I am just taking अमूल डार्क चॉकलेट. सो अमूल डार्क चॉकलेट आपको मार्केट में कई फ्लेवर्स में मिलती है. मैंने डार्क फ्लेवर चूज़ किया है. ये आपको शुगर फ्री भी मिलती है इफ़ यू गाइस डोंट वांट शुगर वाला एंड यू कैन बाय शुगर फ्री आल्सो. सो मैंने यहाँ पे चार ब्लॉक्स लिए हैं एंड मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लिया है. इसे मैं थोड़ा सा हीट अप करूँगी. Meanwhile, could you please repeat the recipe from the beginning? Yeah, sure. So, हमने 60 grams butter लिया, softened butter Amul, and उसमें हमने डाला 110 ग्राम चीनी जो कि पिसी हुई थी. आप चाहे तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं. उसमें हमने एक एग डाला. एग की जगह अगर आप चाहें तो आप दूध को या दही को डाल सकते हैं, हम एड कर सकते हैं. उसके बाद हमने लिया 95 ग्राम्स फ्लावर. आप फ्लावर ले सकते हैं, ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप गेहूँ का आटा यूज़ कर सकते हैं. फिर उसमें हमने डाला 87 ग्राम्स ऑफ चॉको चिप्स अप्रॉक्सीमेटली. टोटली डिपेंडेंट आपके टेस्ट पे, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा कम आप यूज़ करें चॉको चिप तो आप थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप उसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हमने आज ड्राई फ्रूट ऐड करें थोड़े से वॉलनट एंड कैशू नट्स एंड आमंड्स. सो जिनको मैंने रोस्ट नहीं किया था, जो मैंने ऐसे ही डाले हैं, क्योंकि मेरी कुकिंग जब बेक होगी तो उसके साथ में आमंड्स और वॉलनट्स जो हैं वो बेक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. सो हियर यू कैन सी ये जो हमारा गनाश बना है चॉकलेट का, द वेरी नाइस टेक्सचर, थोड़ा सा क्रीमी है. इसको मैं कुकीज़ को डिप करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ. Can you please give us a measurement of the ganache? So one portion of cream and two portions of chocolate. So it goes like if you are taking 100 grams of cream, you can take 200 grams of chocolate. As simple. And totally depend आपको अपना ganache कितना flowy चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ganache है वो और ज़्यादा liquidy हो, तो आप cream का portion थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 1:1 ले सकते हैं, 100 grams cream and 100 grams chocolate. That also can be done. तो इसका नाइस कलर टेक्सचर एंड बहुत ही अच्छा सा इसका ग्लेस हो रहा है इस पर. मीनवाइल तो चॉको चिप कुकीज़ हो और साथ में कुछ खाने के लिए ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, शेक जार में थोड़ा सा कॉफ़ी शुगर के साथ में. व्हाट वी आर मेकिंग टुडे इज लिटिल बिट ऑफ फुल कॉफ़ी. अमूल फुल क्रीम दूध मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ. ये फुल क्रीम है. ऑलराइट, कोल्ड है. अमूल दूध आजकल अलग अलग टाटा पैक्स में अलग अलग वैरायटी में आने लगा है. फुल टोन आता है एंड फुल क्रीम आता है. तो आप कोई भी मिल्क यूज कर सकते हैं. कैन यू प्लीज पोर सम आइस इनटू दिस सो दैट आई कैन टेस्ट. सो समबडी इज आस्किंग माइक्रोवेव कौन से मोड पे कर सकते हैं, हाउ मच टाइम? द टेम्परेचर शुड बी 165 डिग्री एंड द कुकी विल गेट रेडी विद इन 12 टू 13 मिनट्स. इट वोंट टेक टू मच ऑफ टाइम. Someone is asking, Amul cream can be used for how many days after opening? Do we need to store in freezer or freeze? Hamesha fat jaati hai. So, what I usually do, mera, jaise maine cream use kiya hai aaj, ab main isko ek apne container mein dal kar and isko cubes mein kar kar, chote cubes mein jo humare paas ice cubes ki tray hoti hai, main usme jama deti hu and usko main refrigerator mein rakh deti hu. तो मुझे जब भी यूज़ करना होता है, मैं एक क्यूब निकाला है, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ. इट्स अ बेटर वे टू प्रिक्योर इट. हर्षी, कैन वी हैव अ डो एंड अ ट्रे सो दैट वी कैन जस्ट मेक सम कुकीज़ फॉर अस? इज इट रिक्वायर्ड टू प्रीहीट द ओवन?
Yes, the your oven should be at the maximum temperature of 165 or 170 degrees before you keep the cookies for baking. ये हमारा डो रेडी है. कैन आई हैव अ ट्रे प्लीज. सो मैं दो चम्मचों से इसको इस तरह से शेप करके एंड बेकिंग के लिए डाल दूंगी. ध्यान रखिए कि आपका बेकिंग ट्रे गर्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज बेकिंग ट्रे अगर गर्म हुआ तो कुकीज आपके एकदम से मेल्ट होने लग जाएंगे. Sorry, that's my doggy who's inside, maybe smelling a lot of cookies right now. So, sorry. Somebody's asking if we heat Amul cream, doesn't it curdle? Doesn't curdle. If you heat it too much, then it will definitely. But yes, you have to, take care of the temperature. It can't be on a very high flame. सो कुकीज़ मेरी बेक होने चली गई हैं. इट विल टेक अनदर 10 to 12 मिनट्स फॉर बेकिंग. इस बीच में इफ यू वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस टू मी, आई कैन ऑलवेज आंसर. सो टिल नाउ वॉट ऑल वी हैव डन, आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल रीकैप. सो वी मिक्स्ड शुगर एंड बटर ऑल टुगेदर. बटर अमूल का हमने जो देसी बटर इस्तेमाल किया है, सॉल्टेड बटर रूम टेम्परेचर पे. बट येस, बहुत ज़्यादा मेल्टी या बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में नहीं होना चाहिए. अगर आपका बटर बहुत ज़्यादा लिक्विडी है तो उसको थोड़ा देर फ्रिज में रखिए, उसको सेट कर लीजिए. हमने 60 ग्राम अमूल बटर लिया है और 110 ग्राम शुगर लिया है. उसमें हमने ऐड किया है एक एग का योग. ओनली एग योग यूज़ करना है, वाइट को हटा देना है. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू यूज़ एग योग, आप उसको दही से या आप उसको मिल्क के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं. आप चाहें तो उसमें बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं. इफ़ यू डोंट वॉन्ट देन इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके. देन वी हैव यूज 95 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, जो कि मैदा हमने यूज़ किया है. अगर आप चाहें तो आप आटे से भी इस कुकी को बना सकते हैं. देन इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 85 के करीब ड्राई फ्रूट्स एंड चॉको चिप मिक्स करके डाले हैं. अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं डालना, कोई बात नहीं, आप सिर्फ चॉको चिप कुकीज़ को चॉको चिप से ही बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. Anything you want to ask? If we use microwave, what bartan should be used? Microwave proof. Very simple. So there are some utensils, there are some trays which is specially made for the use of microwave only. So I prefer if you can just, have those in your place, you can use that also. Because that is the better, way to use. क्योंकि उसमें आपको टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड आपका बेकिंग बिल्कुल ठीक होगा. कई बार क्या होता है, हमारा यूटेंसिल्स हम माइक्रोवेव प्रूफ नहीं लेते हैं तो उसमें हमारा जो बेकिंग होता है, जो भी हीटिंग होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता. Somebody is asking, instead of sugar, can we use jaggery? If yes, how much? So same amount of jaggery, but the result will be different. So I can't promise the same result with jaggery as well, because jaggery ka texture different hota hai, sugar ka different hota hai. You can use brown sugar also if you want. Can we bake on gas? You can bake on gas also, like a naan khatai we do, pan ke upar rakh kar and usko lid laga kar. But yeah, textures mein aur uske crispness mein ho sakta hai thoda sa different sa, because har cheez ka apna ek अंदाज होता है, मज़ा होता है, बनाने का तरीका होता है. इसको इसी तरह से बनाते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप किसी और तरीके से बनाना चाहते हैं तो डू एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए और डरिए मत एक्सपेरिमेंट से. कोई बात नहीं, एक बार ख़राब होगा, नेक्स्ट टाइम हम फिर कोशिश करेंगे. कोई पूछ रहा है कि हम आलमंड फ्लावर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आलमंड फ्लावर वी कांट यूज़. आलमंड फ्लावर बेकिंग में वी कांट यूज़ दैट.
एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, देन उसका टेक्सचर जो होता है वो आटा और मैदे की तरह नहीं आएगा। सो कैन आई हैव अ क्विक लुक ऑन द कुकीज प्लीज? कैन यू प्लीज शेयर योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम? सो माई फेसबुक हैंडलर इज बाय द नेम ऑफ पगली मिस रानी एंड माई इंस्टाग्राम हैंडलर इज कैन आई हैव अ स्पून एस कपूर 1973। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डीएम मी इफ यू नीड एनी अदर क्वेरीज, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, अगर आपकी और कोई क्वेरीज हैं जो आप पूछना चाहते हैं, जो शायद यहाँ कहीं आगे पीछे छूट गया या कुछ क्लैरिटी नहीं है, देन यू यू कैन ऑलवेज यू नो मैसेज मी और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम इवन ऑन द फेसबुक। मिल्क क्वान्टिटी बार बार सब पूछ रहे हैं। 1 tablespoon of milk or 1 tablespoon of curd. Microwave में कौन से मोड में रखना है प्लीज? दोस्त मैंने माइक्रोवेव में कभी ग्रिलिंग नहीं किया, तो डेफिनेटली माइक्रोवेव का जो ग्रिलिंग मोड होता है आई थिंक उस पर अगर आप बनाएंगे तो आपका जो कुकीज़ है वो ठीक निकल कर आएगा। बट डेफिनेटली जस्ट यू नो जस्ट हैव अ वर्ड विद सम एक्सपर्ट, बिकॉज मैंने कभी माइक्रोवेव यूज़ नहीं किया। मैं अवॉइड करती हूँ माइक्रोवेव यूज़ करना बिकॉज मुझे उसमें खाना गर्म करना और उसका वो जो रेज निकलते हैं उससे मुझे थोड़ा सा यू नो एक ब्लॉकेज है माइंड में, तो मैं वो यूज़ नहीं करती। तो ये हमारा कॉफ़ी के लिए ग्लास रेडी है, ये हमारा गनाश भी रेडी है। मैं थोड़ा सा चॉकलेट गनाश यूज़ कर रही हूँ अपने ग्लास को डेकोरेट करने के लिए। Can you be a little louder, please? तो ये गनाश जो अभी हमने रेडी किया था उससे मैंने अपने ग्लास में तो ये हो गई मेरी कोल्ड कॉफी रेडी and I'm good to wait for my cookies. Somebody is asking, did you grease the pan before placing the batter? No, because there is already like too much of butter in it, so wo mujhe use grease karne ki koi zarurat nahi padi. Ma'am, maine walnut cookies banayi thi, usme honey use kiya tha, banne ke baad cookies mein crunch nahi tha. या बिकॉज हनी में और शुगर में दैट्स व्हाट आई वाज ऑलवेज दैट मैं आपको यही बताना चाह रही थी पहले भी कि आप कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिप्लेस करते हो तो वी कैंट प्रॉमिस दैट टेक्सचर टेक्सचर विल डेफिनेटली यू नो डिफर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय कुकीज टू कम आउट, इट विल टेक अनदर 2 minutes। सम पीपल आर आस्किंग फॉर अ सिंपल वर्जन ऑफ दिस of the recipe. Sure, I'll just you can DM me on my Instagram page and I can share some simpler version of chocolate chip cookies, which is as simple, you can just prepare them in 5 minutes. Not too much of work. I'll just go and grab my cookies. Just give me 2 minutes. Thank you. Can I have this plate, please? Somebody is asking in the oven which tray do we put it in. So I'm using some aluminium trays which are there in the market, and market mein baking ke liye kafi sari trays and kafi sari molds aajkal available hai, different shape ke molds aate hain, cookie cutters aate hain jo aap online bhi order kar sakte ho. There are a lot of websites where you can just find you know
टिपिकली बेकिंग स्टफ, तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स की आपको ट्रेस भी मिल जाएंगी, मोल्ड्स भी मिल जाएंगे. विच रैक आई कीप? सॉरी, सो इन द ओवन देयर आर डिफरेंट रैक्स, विच रैक शुड वी कीप इट इन? सो इफ यू हैव अ स्मॉलर ओवन यू कैन कीप इट ऑन द टॉप एंड सिर्फ नीचे वाला ग्रिलर ऑन करिए. जब आपका कुकी ऑलमोस्ट हो जाए तो जस्ट फॉर 2 seconds जस्ट टर्न ऑन द अपर लेवल ऑल्सो एंड कीप योर ट्रे इन द मिडल. सो फॉर स्टार्टिंग एट द टॉप एंड आफ्टर यू गेट द क्रंच, जब आपको लगे कि आपका कुकी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तो उसको निकाल के बीच वाले इसमें करके, बीच वाले रैक में करके ऊपर और नीचे दोनों का, दोनों जगह का ग्रिलर ऑन करिए. Somebody is asking us your cold coffee recipe. और राइट, सो हमने एक गनाश बनाया था अमूल चॉकलेट से. हमने अमूल क्रीम एंड अमूल चॉकलेट को यूज़ करके एक गनाश रेडी किया जिसमें हमने एक पोर्शन डाला था क्रीम को और एक पोर्शन डाला था चॉकलेट को. एंड उसको हमने कॉफ़ी में मिक्स करने के लिए यूज़ किया. कॉफ़ी में आई हैव यूज्ड अमूल मिल्क, 3 spoons ऑफ शुगर एंड 1 spoon ऑफ डार्क कॉफ़ी विच इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, सम आइस एंड आई मिक्सड इट बिफोर and then I add milk and then I mix it again. So it becomes really frothy. Cookies are almost ready. I'm going to get it very soon. Somebody is asking what is ganache? So chocolate ko jab hum liquid karte hain, to cream ke sang mix karte hain, that is what we call ganache. It looks something like this. Creamy. Aap isko कुकीज़ के ऊपर लगा के भी खा सकते हो. सो माय कुकीज़ आर ऑलमोस्ट रेडी, लुकिंग अमेजिंग. I love to have my cookies with tea or coffee, but yes, totally up to you. आपको जिसके साथ भी खाना है आप खा सकते हो. Can I have some ice cream, Harshit? So my cookies are ready. You can see the nice texture of choco chips which is there. ये अभी हल्की सी सॉगी है इफ यू कैन सी, बट जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये क्रिस्पी हो जाएगी एंड इसका जो टेक्सचर है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा. एंड देयर इज़ वन मोर वे टू सर्व कुकीज विच आई लव द मोस्ट. आप कई बार बाहर जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि घर में मेहमान आ रहे हैं, वॉट टू डू. द बेस्ट थिंग इज जस्ट टू मेक दीज कुकीज, pour some ice cream and just you know put it on it and it comes out really very well. So here what I'm going to do, can I have another platter please? Harshit, can I have another platter please? Some Amul ice cream which we are using. Choco chip cookies and ice creams goes very well. Somebody one of my favorite. Ganache to thick ho jata hai, to usko wapas patla kaise kare? Just add more cream to it. Heat up some cream. Amul cream aap heat up karo and usko ganache ke sang mix kar do. If it is like too watery and too gooey. Agar this is some homemade basil which I really love. So I have a small garden where I just keep growing all these herbs. And here what I do mostly, jab main ganache banati hu and cookies banati hu, so definitely they have to go together. So this is how I love
to have my cookies. Good to go? एंड इस पर मुझे थोड़ा सा चॉकलेट चिप ही पसंद है. सो आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस कुकीज रेसिपी एंड आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बार घर में ज़रूर ट्राई करेंगे विद गनाश विदाउट गनाश विद आइसक्रीम विदाउट आइसक्रीम. जस्ट टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड डू लेट मी नो डी एम मी ऑन माई Instagram page skipoor1973 if you have any queries. अगर इन्हें बनाते बनाते आप कहीं बीच में अटक जाते हैं और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कैसे नहीं डायरेक्टली DM ज़रूर कीजिएगा. आई वुड लव टू सॉल्व आउट ऑल दोज क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स एंड इशूज इफ़ यू आर फेसिंग एनी. आई एम श्योर दीज रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होंगी. नहीं आई होंगी तो प्लीज़ मुझे DM ज़रूर करिएगा और प्लीज़ बताइएगा कि कहाँ क्या समझ में नहीं आया और क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. Thank you so very much for joining me. I'm Shalini Kapoor, Pagli Miss Rani from Facebook and S Kapoor 1973 from Instagram. Do DM me. Stay tuned. Thank you.